लो रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। और अब हम कर लेते हैं टेस्ट को। यार वॉइस मेरी कम आ रही है क्या? मैं तो यार उसी वैसे ही बोल रहा हूँ। मनविंदर जरा बढ़ा के देखो उसको, अपने वॉल्यूम को, स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाओ। यार तेरा स्पीकर वॉल्यूम भी फुल है और मेरा माइक वॉल्यूम भी फुल है, मतलब मेरे वॉइस का वॉल्यूम भी फुल है। नहीं यार टेस्ट कहाँ है यार, इसमें था टेस्ट। हाँ जी मानविंदर, ईयरफोन लगा ले। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। आई होप आप लोगों ने ट्राई वही तो कर लिया होगा सब, बड़े अच्छे से सबने, है ना? ठीक है ट्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। चलो डाउट्स देखते हैं कितने हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है किसी का? नहीं है, चलो गुड है। क्वेश्चन नंबर टू, टू है आयुष। हमें फाइंड करना है इन द सर्किट शोन इन द फिगर रीडिंग ऑफ द एमीटर इज सेम व्हेन बोथ द स्विचेस is same with both the switches open as with both closed। या तो दोनों को ओपन रखो या दोनों को क्लोज करो तो जो एमीटर की जो रीडिंग है वो सेम आने वाली है। ठीक है इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा है शायद, देखते हैं। पहले तो सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट में यहाँ पे है 100, यहाँ है एमीटर, रेजिस्टेंस आर, हमें रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ करता हूँ, एक मिनट पहले सर्किट तो बना लूँ। 300.5 वोल्ट एक स्विच यहाँ पे है, 550। ठीक है तो ये है मेरे पास। तो पहला केस वन हम करेंगे जब दोनों स्विचेस को मान लो ओपन छोड़ दिया, जब हमने दोनों स्विचेस को ओपन छोड़ दिया ऐसे ऐसे ओपन छोड़ा हुआ है तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये आउट ऑफ द सर्किट हो जाएगी, बिल्कुल सर्किट से बाहर निकल जाएगी ये। ठीक है तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसमें क्या आएगा, ये भी तार जो है वो बाहर है, ये भी तार नहीं है समझ लो, ये भी तार नहीं है, ये दोनों तारें निकल गई। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इसका, 300 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 300 + 100 + 50 दैट इज 450। तो करंट मेरे पास आएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये ओपन वाला कर रहा हूं मैं, तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 450 ओम एंड करंट मेरे पास आ जाएगा 1.5 / 450। तो करंट बैटरी से जो निकला वो है ये, व्हिच इज 15/45001/300 करंट आ गया जो बैटरी से निकल रहा है। अब क्या जितना बैटरी से निकल रहा है उतना ही एमीटर में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस है ही नहीं। तो एमीटर की रीडिंग A1 की वैल्यू आएगी 300 एम्पियर। ठीक है अब चलते हैं केस टू पे। केस टू में दोनों को हमने क्लोज कर दिया, जब हम दोनों को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, ये जो वायर है ये इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देगी। तो ये रेजिस्टेंस
सर्किट के बाहर हो जाएगी। तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 100, इधर एमीटर, इधर आर, इधर कुछ नहीं, इधर 300 और इधर डेढ़, ये रह जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रह जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी? सर इसमें मतलब शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होगी? आपने कल बताया था, जैसे मेरा और प्राची का भी डाउट था कि मतलब उसमें से सारे में से क्यों जाएगा, इसमें भी तो आगे मतलब रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं, आगे नहीं, देखो ये वाली जो वायर है ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगी है। ठीक है, इसका एक एंड और दूसरा एंड ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो करंट के पास दो पाथ्स हैं, या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या दोनों में जाएगा। ठीक है, तो जनरली दोनों में जाता होता है करंट, जब दोनों में रेजिस्टेंस हो तो करंट बंट जाता है। तो क्या होगा इस केस में, क्या है ये वाला पाथ बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री है। जब हमारे पास एक पाथ ऐसा हो जो बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री हो तो सारा का सारा करंट उसमें से निकल जाता है, इफ उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक हमने वायर शॉर्ट कर दी। जो तुम लोगों ने कल पूछा था वो कौन सा क्वेश्चन, उसमें कैसा था सर्किट यार, उसमें सर्किट कैसा था, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर याद है? थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था, थर्ड आई थिंक फोर्थ, थर्ड फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है सर, वो V1 V2 वाला था। नहीं नहीं, वो 14 पता नहीं उसका ही था पैराग्राफ में। हाँ 14 था, ठीक है। उसमें जो रेजिस्टेंस, जो सर्किट है ना वो कैसा था उसमें जो सर्किट था वो ऐसा था, ये ए है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है V1 रेजिस्टेंस, V1 वोल्टेज, वोल्टमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है V2, ये पॉइंट बी है, फिर इधर हमने वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया पॉइंट डी से। अब इधर एक रेजिस्टेंस है R1 और इधर एक रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये सर्किट था उसमें, तुम लोग ये बोल रहे थे कि करंट ये यहां से ऊपर से बैटरी लगी और इधर से करंट ऐसे आना शुरू हो गया, तो इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया। तुम लोग ये बोल रहे थे कि सर करंट कि सारा सीडी में से निकल जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, तुम लोग ऐसा बोल रहे थे ना, क्या पूछा? हाँ, क्या हाँ यही पूछा था कि सारा का सारा सीडी में से निकल जाएगा और इधर से नहीं जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा भाई? क्या सीडी जो वायर है वो क्या किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में है? क्या ये किसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रही है? जैसे इसमें शॉर्ट कर रही है, इसमें ये वाली वायर इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, लेफ्ट एंड दोनों कनेक्टेड है, राइट एंड दोनों कनेक्टेड है, तो इसने इसको शॉर्ट कर दिया, तो करंट के पास बिल्कुल फ्री वाला पाथ है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हमने बाईपास कर दिया, लेकिन इसमें बाईपास नहीं हो रहा, इसमें ये वाली जो वायर है ये किसी ना तो इसके पैरेलल में है ना इसके पैरेलल में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाली वायर जो है वो किसी दोनों में से किसी को भी शॉर्ट नहीं कर रही। अगर मैं इसमें वायर को ऐसे लगा दूं तो ये वाली रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई, क्योंकि ये वाली शंट वायर, इसको बोलते हैं शंट वायर, तो ये शंट वायर जो है ये इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली पैरेलल में आ गई, तो ये निकल जाएगी, यहां पे लगा दूं तो ये निकल जाएगी, लेकिन ये जो है वो ना इसके पैरेलल में है ना इसके पैरेलल में, तो पैरेलल देख लिया करो कि अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में है शंट वायर तो हम रेजिस्टेंस को ओमिट कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं सर्किट, समझ गए? पैरेलल वाली चीज मेरे को पता ही नहीं, मेरे को लगा हम ऐसे करते हैं भी जहां पे रेजिस्टेंस कम होती है तो वहां से सारा करंट पास करा ना, ऐसे तो आज तक नहीं मैंने बोला कि जहां से खाली वायर हो, बिल्कुल नहीं। फिर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो अगर एक रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरी रेजिस्टेंस 100 ओम है और यहां पे मैं बैटरी तो ये करके आई थी टेस्ट में, तो फिर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इधर से तो करंट जाना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे तो जाएगा यहां,
ऐसे अब ऐसे जाएगा, यही यही बात है यहाँ पे भी, तो यही है। तुम तो देखो इसको बिल्कुल ये सर्किट है, तुम लोग बोलोगे ये वायर भी तो शॉर्ट है भाई, समझ गए ठीक है ना, तो ये नहीं है ना, तो ये फंडा जो है वो गलत लगा दिया तुम लोगों ने। चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। करण क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट सी एंड डी को इकट्ठा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों वो पैरेलल में है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड, हाँ एम्पियर। हम अब देखो इसमें ना, अब सीरीज पैरेलल का फंडा लगा के तुम्हें एमीटर में करंट निकालना है, ठीक है। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में 100 आर डिवाइड बाय 100 प्लस आर प्लस 300, ये टोटल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो जिसमें से करंट अब कितना जाएगा, करंट निकलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आने वाला है आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं इसको, या लिख लो इसको कैलकुलेट कर लेना, यहां पे आएगा जो भी, ये आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं अभी के लिए। अब वो आर इक्विवेलेंट निकलेगा यहां से, आई निकलेगा यहां से, ये जो आई आया, ये आई आया यहां से, लेकिन मुझे निकालना है आई वन। अब यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगा देना, तो आई वन मेरे पास आएगा कितना पैरेलल वाला, आर अपॉन 100 इंटू आई, आर अपॉन 100 प्लस आर सॉरी इंटू आई। याद है करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला, तो आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू आई हो जाएगा, आई की वैल्यू यहां से डाल दो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से डाल देना, ठीक है। तो अब ये जो आई वन है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/300, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है कि एमीटर में करंट दोनों केसेस में सेम है, तो आई वन शुड बी इक्वल टू दिस ए वन जो पहले रीडिंग, तो 1/300 इज इक्वल टू ये सारी टर्म, और इस सारी टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है आर, तो यहां से तुम्हारा आर सॉल्व हो जाएगा, चमक गया जी सर, ठीक सर। वैसे मेरा इसका आंसर ना गलत आ रहा था, पर नहीं आ गया था बाद में, 600 आया था, ठीक है पहले 300 आ रहा था। हाँ तो बस ये है थोड़ा सा, ये ना वो था कैलकुलेशन, तो समझ में नहीं आया 50 ओम वाला, 50 ओम कौन सा, 50 ओम, 50 ओम वाला हमने क्यों नहीं लिया बाद में? अरे आयुष, आयुष है ना, यस सर। अरे आयुष ये 50 ओम शॉर्ट हो गया भाई इस पर, अरे यार इतनी कहानी मैंने इसी में तो सुनाई सारी रामायण, क्या बोला मैंने, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल हमने एक बिल्कुल शॉर्ट तार लगा दी। यार शॉर्ट तार का मतलब क्या होता है तुम लोगों को पता है, शॉर्ट तुमने पढ़ा हुआ है ना शॉर्टिंग प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, 10th में आता है ये टॉपिक, यस सर। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है सर, एमएनसीज लगाते होते हैं, हां हां एमएनसी नहीं एमसीबी, एमसीबी हां वही सॉरी मल्टीनेशनल कंपनी, तो क्या है सॉरी तो यहां पे इस शॉर्टिंग का मतलब होता है इस तार को यहां से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो इसको, ऐसे जोड़ दिया तो क्या होगा, करंट सारा का सारा इधर से निकल जाएगा, शॉर्टिंग का मतलब ये है। तो ये तो रेजिस्टेंस निकल गई सर्किट से बाहर ही निकल गई, ओके सर। चलो अगला सवाल है, अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी 3, 4 थर्ड है एडवांस है भाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराओगे मेरे को लगता है तुम लोग। अरे यार स्टार बनाना पड़ेगा मेरे को, स्टार 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 नहीं, वो फोल्ड कर लिया उसके बाद ट्रॉपीजियम बना है, वो सॉल्व नहीं हो रहा लास्ट में, वो तो ठीक है। चलो एक बार मैं स्टार बना देते हैं, बचपन में बहुत स्टार मिले अपने को है ना, अच्छा लगता था। ये भी तार है, उसके बाद ये एक कनेक्शन है और ये एक कनेक्शन है, ठीक है। चलो ये बन गया मेरे पास तारा,
तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री के लिए मैंने चूज कर लिया, ओ येलो स्क्रीन, तो मैं फोल्डिंग सिमेट्री लगाने वाला हूँ यहाँ पे, मैंने चूज कर लिया ये, तो इसको मैं ऐसे इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अब सिर्फ ऊपर वाला सर्किट बनाऊंगा साथ में, ठीक है, इसके ये ए है, ये बी है, अब रेजिस्टेंस लिखने वाले हैं, हर एक की रेजिस्टेंस है आर, ये है आर, ये है आर, ठीक है, बियर विद द ड्राइंग, तो यहाँ पे सबके यहाँ पे कितनी हो जाएगी आर बाय टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर बाय टू, इसके ऊपर ये चढ़ गया, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया आर बाय टू, ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी आर बाय टू, ये भी कितनी हो जाएगी आर बाय टू, ये भी कितनी हो जाएगी आर बाय टू, ये भी 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 आर बाय टू, सारी आर बाय टू हो गई, ठीक है। तो अब ये आर आर बाय टू और आर बाय टू आर होगी, उसके पैरेलल में आर बाय टू है, ये भी आर बाय टू है, आर एंड आर बाय टू, तो कितना हो गया ये आर बाय थ्री, तो ये हो गया आर बाय थ्री, आर और आर बाय टू जो पैरेलल में है वो कितना हो जाएगा आर बाय थ्री, तो यहां पे मैं आर बाय थ्री बना रहा हूं इस तरफ, यहां पे सिर्फ यहाँ पे है R A, ये है R, ये है B, इधर है R by 3, यहाँ पे है R by 3, ये वाली ऐसी यहाँ पे है R by 3, ठीक है, ये है R by 2 और ये भी है R by 2, R by 2 and R by 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, अब हम लगाएंगे मिरर सिमेट्री, अब हम लगाएंगे मिरर सिमेट्री, यहां लगा दो मिरर, जब हम यहां पे मिरर सिमेट्री लगाएंगे, मिरर है ना यहां पे एक, ये दिस इज द मिरर इमेज, राइट, तो इसमें दूसरी सिमेट्री लग जाएगी मिरर सिमेट्री, जब हम मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो मैं इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को डिटैच कर सकता हूं, इस पॉइंट को डिटैच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट डिटैच हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जितना करंट जाना चाहिए उतना ही यहां जाना चाहिए, जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना ही करंट इस ब्रांच में होगा, तो अगर ये वाला करंट इसमें निकल गया, ये वाला करंट इसमें निकल गया, तो ये पॉइंट कनेक्शन इज मीनिंगलेस, दिस कनेक्शन इज मीनिंगलेस, तो इसको डिटैच कर दो, तो जब मैं इसको डिटैच कर दूंगा तो मेरे पास जो सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा, ऊपर है R by 3, इधर है R by 3, R, R, R by 3, ये है R by 2 and R by 2, ये A point, ये point B, ये रह गया। अब इसका सिंपल कैलकुलेट कर लो, ये दोनों सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में, ये तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट पैरेलल में, आगे हो जाएगा, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन बाद में, ये लास्ट में करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फाइव, नो सर, सिक्स, डाउट है सर, डाउट है, कौन से पार्ट में डाउट है सर, इसमें रुको, जो सी पार्ट है, जैसे उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो जिसमें मतलब रेडियस ज्यादा होगा, सी या बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसमें, बी सॉरी, बी,
बी पार्ट हाँ तो इसमें मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो जहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा वहाँ पे कम नहीं होगी J is equal to हमें फॉर्मूला आता है एक J is equal to sigma E फॉर्मूला याद है हाँ जी J is equal to sigma E yes no yes sir J क्या होता है I upon A is equal to sigma into E सारा का सारा ये जो शीट सी बना रखी है ये सारी की सारी सारी शीट में करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज में करंट इज सेम हर पॉइंट पे पी क्यू आर क्या नाम थे पॉइंट्स के हाँ पी और क्यू सीरीज में पॉइंट्स तो इसलिए करंट सेम होगा सिग्मा इज कंडक्टिविटी मटेरियल सेम है तो कंडक्टिविटी भी सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्वेश्चन सेवन राहुल सर डी ऑप्शन में भी जो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है वो क्यू में ज्यादा क्यों मतलब जितना एरिया कम उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं ये तो स्मॉल एन है ना स्मॉल एन तो सेम होता है ओके राहुल इसका बी क्यों नहीं आएगा ए क्यों आएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में बी जो है क्यों नहीं आएगा करंट है यार करंट फाइंड कर लेना यार ये देख इसमें फंडा लगाना है अपने को पहले इसको इकट्ठा करता जा बाद में खुलता जा तीन और चार और तीन दस हो गया देख देख मेरे साथ रहना यहाँ पे यहीं पे कर रहा हूँ थ्री फोर और थ्री सिक्स और फोर टेन टेन एंड टेन फाइव फिर फाइव टू एंड थ्री मतलब टेन फिर टेन एंड टेन फाइव फाइव एंड फाइव टेन एंड फोर फोर्टीन 28 वोल्ट बैटरी है 14 ओम रेजिस्टेंस है तो कितना हो गया करंट 2 1 क्यों होगा यहां से करंट 2 जाएगा सबसे सिंपल क्वेश्चन गलत करके आया क्या अबे यार चल कोई नहीं ध्यान रखा कर ऐसी सिंपल एडवांस में ऐसी गलतियां हो यार दुख होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट नाइन एट में दीप थ्री पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन 9 सेंटीमीटर के चार्जेस आर प्लेस्ड in such a way that the system has minimum potential energy. तो minimum potential energy हमें बतानी है इसमें multiple correct है हाँ तो देखो potential energy का formula दी k q1 q2 by r potential energy का formula है तो potential energy अगर minimum रखनी है तो इसमें पहली बात charges सारे positive है तीनों के तीनों ठीक है तो अगर मिनिमम रखनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा दो जो दो बड़े चार्जेस हैं उनमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो पहली बार ठीक है उनका आर सबसे ज्यादा होना चाहिए आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया तो चार और सोलह सबसे दूर पड़े होने चाहिए तभी उनमें आर सबसे ज्यादा आएगा अब हमने क्या कर दिया इन दोनों को बहुत दूर दूर रख दिया चार इधर रख दिया 16 इधर रख दिया दूर हो गया 9 सेंटीमीटर दूर रख दिया इनको ज्यादा ज्यादा 9 सेंटीमीटर है बस ठीक है अब एक बट बच गया क्यू अब क्यू को कहां रखें अब क्यू को कहां रखना पड़ेगा हमें मान लो हमें डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है 16 से दिया हुआ है तो मान लो यहां से x x डिस्टेंस दूर रख दिया
तो इधर से कितना हो गया 19 माइनस एक्स, इधर से कितना हो गया 9 माइनस एक्स, इधर से कितना हो गया 9 माइनस एक्स। बस अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है तो क्या करेंगे, आर मैं डीवी बाय डीएक्स जीरो कर दूंगा, डीयू बाय डीएक्स जीरो कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से पोटेंशियल एनर्जी लिख ले क्या होगी, यहां पे क्यू पड़ा है, यहां पे 4 क्यू पड़ा है, यहां पे 16 क्यू पड़ा है। पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम की और डीयू बाय डीएक्स को जीरो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिख सकते हैं हम के 4 16 अपॉन 9 प्लस के जो भी आएगी पोटेंशियल एनर्जी का सारा फॉर्मूला लिख के उसको जीरो कर देना, ठीक है। तो डी ओ बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा एक और चीज हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी ओ बाई डी एक्स होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है तो डी ओ बाई डी एक्स को जीरो करके भी कर सकते हैं एक तरीका, लेकिन अगर डी ओ बाई डी एक्स जीरो है तो फोर्स भी जीरो होनी चाहिए, फोर्स भी जीरो होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स जीरो कर दो। वैसे उससे हमारा सी ऑप्शन भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज जीरो एट द पोजीशन ऑफ द क्यू इज जीरो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें यहां से हो जाएंगी। हो जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है, कौन से पार्ट में